तो अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, क्या हाल चाल है आपका। तो आप लोगों ने पोको एक्स थ्री प्रो के बारे में काफ़ी सुना होगा, काफ़ी हेट फैला रही है आवाम के पोको एक्स थ्री अच्छा फ़ोन नहीं है, लैग करता है, ऐसे होता है ऐसे होता है। अभी ये पोको एक्स थ्री प्रो में मैं खेल रहा हूँ गेम, अभी आप इसका लैग चेक कर लें, जो भी आपने चेक करना कर लें, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ गेम चलती है, कोई लैग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बंदे ऐसे ही हेट फैला रहे हैं। तो बाकी आप गेम चेक करें जिधर जिधर हो सकता है, तो मैं वॉइस ओवर करूँगा। वैसे मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इतना अच्छा वॉइस ओवर नहीं कर सकता। तो बाकी बताओ इस बंदे को कैसा पहला आपके भाई ने, काफ़ी अच्छा प्लेयर था, इसको मारा तो एक और बंदा रश कर आया, तो अभी उसको देखते हैं। ये मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड लगाया था, तो तकरीबन मिलिट्री बेस में सब बंदे सोलो सोलो ही उतरे थे, जो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे सब बंदे अच्छे खेलने वाले बंदे थे, गेम प्ले शायद मारे थे मेरी तरह सारे। बाकी आप देख के जाओ कैसे आपका भाई मिलिट्री खाली करता है और क्या सीन बनता है। ओ भाई साहब क्या नेड था, क्या नेड था भाई, एकदम मैंने नेड कुक किया, बंदा सामने आया तो फेंक दिया मैंने फुल कुक करके, इसको पीछे से जाके मारा। एक इधर खिड़की में बंदा शो हुआ, मैंने कहा भाई देखा जाएगा, सीधा सीधा रश करता हूँ, सीधा सीधा रश ही कर रहा था मैं। और अभी देखना इसको कैसे पेलते हैं। ये लो भाई, ये इतना कुछ अच्छा खास बंदा नहीं था। बाइक उठाया इस साइड पे आया, ये देखें नोवो, ये बंदे नोवो खाली करके जा रहे थे या नोवो और ये लूट करके जा रहे थे, लूट से खाली करके जा रहे होंगे पक्की बात है, जैसे ये बंदे लग रहे हैं। एक को नोक किया, थोड़ा सा डैमेज किया, नेट डाला, मैंने कहा शायद उसको बैठ के रिवाइव ना कर रहा हो, वो पहले फिनिश हो गया। अभी उसका टीममेट आएगा, वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, नूब भी था, उसको भी बड़े इजीली मारा। इसको फिनिश किया, इसकी लूट उठाई और मैं देखने चला गया नोवो इनके टीममेट हो शायद, ये मैं देखने गया तो वाकई में इनके टीममेट थे, एक एक या दो बंदा था शायद, तो और वो भी अलग अलग स्क्वाड के थे। फाइट अभी चल रही थी, ये पता नहीं भाग के गए थे, उस साइड पे बोट शायद लड़ रहे थे, तो एक बंदा मुझे ब्लू वाली बिल्डिंग में दिखा, उसको मैंने देखा और इस पर फुल मेरा मूड था, बड़ी अच्छी थी पर मेरी ख़राब। अभी एक बंदे ने बोल किल मैंने उठा लिया और बंदे को भी फिनिश कर दिया। अभी जो अभी देखना अभी क्या होता है मेरे साथ, अभी बंदे ये बंदा बोल जाता है जिसने जंप किया था, भाई जोन में मर गया, अल्लाह ये बंदे किल दे जाता बंदा। बाइक उठाया इस साइड पे जा रहा था, सामने गाड़ी दिखी, गाड़ी आ रही, कोई बंदूक को फर्क ही नहीं पड़ा, मुझे लगा शायद उसके पास स्नाइपर ना हो, एक हेड लगा उसको, सिर्फ एक हेड, वो भी उल्टी पीक की थी मैंने, गलती से लग गया। बाइक उठाया और यह इधर देखना भाई, इधर मेरे साथ क्या होता है, निकाला और ये लो, पता ही नहीं था पीछे भी एक और गाड़ी है, इस बंदे ने मुझे फिनिश कर दिया। अभी ये जो गेम प्ले है ना, इसमें तो फुल चिकन डिनर है और हैवी किल्स हैं, बाकी आप चेक करना कैसे आपका भाई इनको पेलता बंदों को।
और ये कोई नूब लॉबी नहीं थी, ये फुल हैवी वाली लॉबी थी, कॉन्करर लॉबी थी। तो वैसे भी मैं हर सीज़न कॉन्कर कुछ करता हूँ, इस सीज़न नहीं कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी लॉबी थी। वैसे इस अकाउंट पे नहीं मैं कर रहा, वो दूसरे अकाउंट पे कर रहा हूँ, उस पर तो आपको पता है कि इतना भी मैं प्लेयर नहीं हूँ कि रश खेलूँ। तो बाकी इधर टीममेट का रैंक पुश करवा रहा था और उन्होंने बोला बोर्ड छोड़ दे, बाकी तुम हर चीज़ पे ली आ। बस मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, जिनको मार सकता हूँ मार लूँ। इस साइड पे मेरे दो टीममेट गए थे गाड़ी लेके और उनको किसी ने पेल दिया। 011 भाई हमारे क्लैन के लीडर हैं, तो वो उस साइड पे गए, वो भी रैंक पुश कर रहे हैं। और एक बंदा ऊपर था टॉप पे, बोर्ड का साउंड आया तो मैंने उसको छोड़ दिया टीममेट के लिए, इस पे मैंने रश कर दिया। बंदे ने नेड पकड़ा हुआ था, इसकी लूट की। सामने एक बंदा था, वो काफ़ी देर से डैमेज दे रहा था, काफ़ी देर से टीममेट को नोक कर रहा था। मैं फिर वाइव कर रहा था, फिर मैंने सोचा इस पे रश करता हूँ, टीममेट को बोला तू उधर ही रुक, उसका रैंक था तो मैं उस पे रश कर दिया। बंदा काफ़ी अच्छा था ये, उसको फ्री फायर दिया कर दिया। ओ भाई उसने हल्के का कितनी छोड़ी है मेरी, इसकी लूट की। 6x उठाया, अभी एडजस्ट किया ही था 6x, तो साथ ही गाड़ी आ गई। टीममेट ने मार्क की गाड़ी, गाड़ी को स्प्रे दिया और एक गोली भी नहीं गाड़ी में निकल गई। टीममेट एक उतर गया था हेलीकॉप्टर के पीछे, तो उसको स्प्रे दिया, नहीं डाउन हुआ। मुझे लगा शायद गाड़ी के पास ही उसका टीममेट उतर गया होगा, पर उधर भी कोई भी नहीं था। और साथ ये गाड़ी पीछे से आ गई, अभी इनको फेलेंगे, आप देखते रहेंगे। तो मैं फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये जो गाड़ी वाला पहले गाड़ी वाला बंदा आया था ना उसको मारा, तो मैं फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो बाकी कोई गलती हो गई तो आप ज़रूर बता देना कि कैसा वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा, बेहतर, अपनी तरफ से फुल बेहतर करने। भाई दो बंदे एक साथ ही पीक दे रहे थे, एक को नॉक किया दूसरे को डैमेज किया। मैंने एक दफ़ा सोचा रश करता हूँ, फिर मैंने कहा भाई नहीं मारेंगे, नॉक फिनिश करेंगे सीधा। तो फर्स्ट एड लगाई फिर रश किया, तो मैं फुल उस पर एम ले के जा रहा था, बाहर आया डैमेज किया उसको। ये लो भाई नेट डाला, मुझे उस खिड़की से साउंड आया, उसमें नेट डालने जा रहा था, फिर इस साइड पे मैंने कहा इस साइड पे डालता हूँ, उधर कोई भी नहीं होगा। एक फिनिश और एक नॉक, अभी ओवर कॉन्फिडेंस, ये चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस। ये देखो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रश कर रहा था, सामने बंदा रिवाइव कर रहा था, उसने एकदम से मुझे और बोट भी आ गया, बोट को उसने मारा, अपनी भी वो केडी रैंक वगैरह बचा रहा था। तो उधर से लूट की गाड़ी उठाई, तो इस साइड पे आ गए हम लोग शेल्टर की तरफ। भाई इस बंदे में मुझे डाउट था, 24 ये दो नोक निकाले, फिर मैंने कहा सीधा रश करता हूँ, दो नोक सीधा रश करता हूँ। ये देखो भाई 249 वाले बंदे ने डैमेज किया कितनी दूर से, और एकदम से डैमेज किया, इसीलिए मैंने उससे पहले फाइट नहीं ली, मुझे पता था कि मुझे नॉक कर देगा उस जगह पे।
जिधर गाड़ी रोकी थी। फर्स्ट एड लगाई मैंने, कहा शायद बंदा वो अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा हो। नेड की पिन जैसे मैंने पीती है ना, तो उस बंदे का टीममेट दोबारा से बचा गया भाई। स्क्वाड अच्छा था मेरा, स्क्वाड फुल हैवी वाला था। अभी इधर मिल्टा में रश किया, मिल्टा में बंदे ढूंढ रहे थे, पूरी गाड़ी घुमा घुमा के मिल्टा में आए। मिल्टा में एक से हमें दो बंदे थे, उन पर रश किया। ऐसी बस एफिशिएंसी लगा रहा था और फुल नेड मोलियाँ की, बंदों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। पता नहीं क्यों नहीं फ़र्क पड़ा। फिर मैंने कहा रश करता हूँ, एक नेट डाल के फिर मैं निराश किया भाई। इस नेट से बंदे का नोट होना चाहिए था। चलो ये एक बंदा डाले और मैं आपको बताता हूँ, ये देखना अभी साउंड की वजह से मैं उस बंदे को कैसे नोट करता हूँ। साउंड की वजह से मुझे साउंड आ गया था, ये इधर ही बंदा आके छिप गया। इसको फिनिश किया, अभी मुझे इतनी उम्मीद थी कि वो बंदा डैमेज हुआ होगा और उस पर रश कर दिया। वो बंदा फर्स्ट एड लगा रहा था, ऊपर मैं गया, फिर भी इस बंदे ने मुझे काफ़ी डैमेज कर दिया। तो लॉबी फुल मतलब रैंक पुश वाली लॉबी थी, हैवी वाली लॉबी थी। इधर अभी लास्ट बंदे हैं, इनके साथ फाइट करती हूँ मैं। इस जगह पे आके ना थोड़ा सा, एक तो मेरा नेट का इश्यू हो गया था, पता नहीं क्या सीन हुआ, नेट ही चुक हो रहा था ना, पता नहीं हाथ से छूट नहीं रहा था। इस जगह भी मुझे लगा कि इधर बंदा है, मेरा टीममेट अंदर दिन फायर कर रहा था, मैंने देखा यार इधर तो बंदे ही नहीं, ऐसे फायर कर रहा है। एक बंदा नीचे जाम कर रहा है, उसको नोट किया और एक ऊपर ये दिया अपनी मस्ती में, उसको नोट किया और फिनिश किया। और तभी मेरे टीममेट को मिल्टा पावर की तरफ से पड़ गई, जो मिल्टा पावर की फैक्ट्री है ना उस तरफ से, उसको मैंने रिवाइव किया। रिवाइव करके सामने वाले घर में एक बंदा था, उस पर रश करती है। और इस बंदे का मुझे पता था ये यहीं पे बैठा होगा, डैमेज किया पाका, काफ़ी गंदे वाला डैमेज दे गया ये बंदा। बंदूक की ड्रेसिंग पे ना जाओ, बंदूक के जो नेम है ना वो चेक करो, और उनका मतलब जो गेम प्ले है, अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं, अच्छा खासा डैमेज। बाकी ये पोको एक्स 3 प्रो की गेम प्ले है। और लास्ट वाला बंदा इस जगह पे था, इसने मेरे टीममेट को उस वक्त नॉक भी किया था, आपने नोटिस किया होगा। तो मैं इसको अपने टीममेट को बोल रहा था एक दफ़ा बूस्ट वगैरह लगा ले और ओपन में इस पे रश करते हैं, पीक देगा तो मारेंगे। और इधर बहुत बहुत ही ज़्यादा कभी चलो भाई, बंदे को एक गोली भी नहीं लगी। अगर मेरा टीममेट मेरे साथ ना होता ना, तो मैं तो इधर मर गया था पक्का। बस ऐसी फ्री फायर देते हुए आगे गया, पत्थर के पास जाकर फर्स्ट एड लगाई। और चलो बड़ा इजी वाला चिकन डिनर, और बड़े इजी वाला चिकन डिनर हो गया। मेरा इतना रैंक तो नहीं था इस अकाउंट पे, मेरा वैसे दूसरा अकाउंट पे रैंक था। ये मैंने अकाउंट बनाया वैसे रश खेलने के लिए, और ये भी काफ़ी ओल्ड अकाउंट है, पर इस पर मैंने वो रॉयल पास वगैरह नहीं बाय किए थे। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो ओके, बाय बाय।